जय हिंद, नमस्कार। टुडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि का आज छठवां दिन है और अक्टूबर का पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर। इसके साथ साथ 90 डे चैलेंज का भी आज पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ 90 डे चैलेंज। ये 90 डे चैलेंज है क्या वैसे, आपको पता है ना? हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं आज से 1st अक्टूबर से लेकर 31st ऑफ दिसंबर तक। आज से लेकर 31st ऑफ दिसंबर के बीच में 91-92 डेज है और इन 91-92 डेज में से 90 डेज हम लोग इंग्लिश को डेडिकेट कर रहे हैं। ये 90 डेज 90 दिन और 90 रात नहीं, इतना नहीं, हर दिन 15 से 20 मिनट, एक दिन में हम लोग 15 से 20 मिनट इंग्लिश को देंगे और उसके बाद इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इंग्लिश में बेहतर करेंगे। उसके साथ साथ और क्या करेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे घूमेंगे, बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे और बहुत सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ और क्या करेंगे, इसके साथ बहुत सारी मिठाइयां खाएंगे इस नवरात्रि के पर्व पे, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे और भी जितने फेस्टिवल्स आएंगे सबको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ मिलकर, बट इंग्लिश के साथ मिलकर। एक दूसरे के साथ तो मिलेंगे ही लेकिन हर दिन इंग्लिश के भी साथ मिलेंगे। और ये इंग्लिश के साथ कैसे मिलेंगे, हम लोग हर दिन 5 मिनट 10 मिनट एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की, बात करने की कोशिश करेंगे इजी इंग्लिश में। आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। मुझे भी नहीं आती है, ठीक है, मुझे भी कोई इंग्लिश नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। हम दोनों मिलकर सीखेंगे, हम दोनों मिलकर सीखेंगे इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश को हराएंगे, जैसे कोरोना को हराया वैसे इंग्लिश को भी हराएंगे और अपने आप को इंग्लिश में बेहतर बनाएंगे। इंग्लिश को हराएंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। देखो, इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले हम तीन चीज डिस्कवर आज यहां कर रहे हैं। आई एम सॉरी इफ यू फील बैड फॉर दिस लाइक वर्ड और दिस स्लैंग, बट आई एम सॉरी, ठीक है। सबसे पहले विलेज इंग्लिश, वी मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेज, सो यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझनी चाहिए कि ये विलेज इंग्लिश है क्या। विलेज इंग्लिश का ये कंसेप्ट है, विलेज के लोग शर्माते नहीं है, विलेज के लोग डरते नहीं है, और खास करके भारत के लोग, गांव के लोग न शर्माते हैं न डरते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू स्पीक विलेज इंग्लिश। मस्त मौला, एकदम जो भी आ रहा है वो खुलकर दिल से बात करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं किसी को, ठीक है। तो आप भी अंग्रेजी को दिल से बोलो और दिल से समझने की कोशिश करो, ये है विलेज इंग्लिश। जो भी आपको आ रहा है बोल दो, ना आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, ना ग्रामर पे ध्यान दो, ना स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ना कॉन्फिडेंस पे ध्यान दो, बस बोल दो, ठीक है। धीरे धीरे बोलोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सारा सब्जेक्ट इजी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कॉन्फिडेंस। उसके बाद हमारे पास है भोजपुरी इंग्लिश। भोजपुरी तो तारा आते हुए, एज यू नो दैट भोजपुरी इज अ वेरी लाइक कॉमन लैंग्वेज इन द पीके मूवी। आमिर खान 400 मतलब क्या बोले, छोड़ो जाने दो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट आमिर खान टुडे, बट पीके मूवी आपने देखा ही होगा तो उसने कितना सुंदर से भोजपुरी यूज किया है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग भोजपुरी से इंग्लिश सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग अंग्रेजी समझते होंगे वो भी तो भोजपुरी से कुछ ना कुछ रिलेट कर ही लिए होंगे आमिर खान के मूवी से, तो हम लोग भोजपुरी से इंग्लिश को रिलेट करेंगे। अब भोजपुरी इंग्लिश क्या होता है, भोजपुरी इंग्लिश ये होता है कि आप मिक्सअप करो भोजपुरी को, हिंदी को और इंग्लिश को और तब बोलने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मतलब आपको हम एग्जांपल नहीं दे सकते हैं बट यू कैन रिलेट व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक। आप आधा हिंदी में बोलो, आधा भोजपुरी में बोलो, आधा अंग्रेजी में बोलो, हो जाए भोजपुरी अंग्रेजी। इससे ज्यादा भोजपुरी अंग्रेजी क्या है, कुछ नहीं है। हमरे कहो दिया, गिव मी डैट, हमरे कहो दिया, गिव मी डैट, ठीक है। ऐसे कर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ और बोलने की कोशिश करो, आ जाएगा। और लास्ट है बिहारी इंग्लिश। बिहार के लोग को बोला जाता है कि 1000 पे 1 बिहारी, ठीक है। हम लोग 1000 लोगों पे 1 लोग आ जाते हैं तो वही काफी होता है। लालू जी का एक फेमस कोट है कि हम बिहारी है भाई, उड़ते हुए चिड़िया के पर में हम हल्दी लगा देते हैं, उड़ते हुए चिड़िया के पंख में हम हल्दी लगा देते हैं, हम बिहारी हैं। तो हम लोग बिहारी, हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग इस इंग्लिश को क्या ही हमारे लिए है, बहुत ही ईजी है। चलो हम लोग आज से चालू करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, इन तीनों का ये है ना कि सबसे पहले आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा।
देखो हम कितना भोजपुरी टोन में बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, करत नहीं कि ना। हमनी के अंदर के पहले डर खत्म कर देवे के बाद, डर हमनी के खत्म कर दे जाए तो हमनी के भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज कौन भाषा दे दा हमनी के बोल ले हम जा। लेकिन ओकरा से पहले क्या करे के बा, हमनी के अंदर के डर खत्म करे के बा। ये डर खत्म कैसे हुई, ये डर खत्म एकरा पर बात कैला पर हुई, ये डर खत्म एकरा के बैठ के समझला पर हुई, ये डर खत्म एकरा के प्रैक्टिस कैला पर हुई। हमनी के भोजपुरी बोले वाला लोग है जा, हमनी के भोजपुरी पर गर्व करे ले जा, बिहारी पर गर्व करे ले जा, यूपी पर गर्व करे ले जा, एकरा साथ साथ हमनी के हिंदी सीखल बने जा। तो अब हमनी के भोजपुरी सीखे के बारी बा, हमनी के भोजपुरी इंग्लिश सीखे के बारी बा, हम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए बानी अभी। हम लोग को इंग्लिश सीखने का बारी है और इंग्लिश सीख कर ही हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इंग्लिश सीखने का सबसे इजी वे, आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे आप क्या करो, सबसे पहले 5 नए शब्द याद कर लो। जैसे भोजपुरी में हम लोग नए नए शब्द जानते हैं कोई कोई, ठीक है। उसके बाद हिंदी में भी हम कोई कोई नए नए शब्द पढ़ते हैं, हिंदी की बुक, कोई साहित्य की बुक तो हम लोग समझते नहीं है, मतलब नए नए शब्द से मिलते हैं जब हम हिंदी के कोई साहित्य को उठाते हैं। वैसे ही हम अंग्रेजी को उठा रहे हैं, ये टोटली न्यू लैंग्वेज है। चाइनीज में आप एक सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे सी जिनपिंग का नाम छोड़कर, सी जिनपिंग का नाम सबको लगभग जानते ही है, तो उसका नाम छोड़कर आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, चौमिन बोल पाओगे, ये इसके बाद कोई नहीं बोल पाओगे, आई प्रोमिस। तो हम लोग नए 5 शब्द सीखेंगे, 5 नए शब्द हर दिन, हर दिन 5 शब्द बस। उसके बाद एक पेज आप आज लिखो और एक पेज पढ़ो। किस चीज पे लिख सकते हो, 90-day चैलेंज पे लिखो। कहीं नहीं लिखना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, व्हाट इज 90-day चैलेंज, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड विद द 90-day चैलेंज, ये 90 दिनों का चैलेंज क्या है, 90 दिनों में आप अंग्रेजी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस, क्या आप इससे समझते हैं, हाउ मच यू कॉन्फिडेंट आर यू फीलिंग विद मी, लाइक वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट एवरी डे हियर। हम लोग 90 दिनों में कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे ही सीखेंगे, और हर दिन जरूरी नहीं है कि ये सेम रिपीट करेंगे कि आज 44वां दिन हो गया, आज 45वां दिन हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जैसे क्लास रन करता था वैसे ही रन करेगा, लेकिन अब एक चैलेंज के साथ रन करेगा। 31st of December में मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लड़के जो न्यू ईयर का विशेष है हमको अंग्रेजी में अपने दिल से जो भावनाएं निकल रही है उससे लिखकर और हमें भेजें, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करें। इसके बाद अपने फैमिली रिलेटिव्स को सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड ना करें, अपने से लिखकर भी कुछ भेजें। यू नो देयर वाज अ गर्ल, हम उनको बहुत सारे न्यू ईयर के विशेष भेजते थे, तो वो बोल रही है मेरे को एक बार कि देखो आई डोंट लाइक द फॉरवर्डेड मैसेज, इफ यू हैव ऑफ योर ओन देन प्लीज सेंड मी, अदरवाइज डोंट सेंड मी। अगर आप अपने से लिख कर भेज रहे हो तो वो चलेगा, अदरवाइज आप फॉरवर्ड करोगे तो वो तो लोग समझ जाएगा, ओके आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन कुछ आपका अपना लिखा हुआ होता है तो उसे लोग रुकता है, पढ़ता है, समझते हैं और फिर महसूस करता है। तो अगर किसी को महसूस करवाना है तो प्लीज राइट मैसेजेस इन इंग्लिश, ओके। उसके बाद देखो 5-10 मिनट बातें करो। अब ये मैटर नहीं है किससे बात करोगे, बट ये मैटर है बिहारी इंग्लिश बोलो, भोजपुरी इंग्लिश बोलो, विलेज इंग्लिश बोलो, जो मन वो बोलो, एकदम प्रोनाउंसिएशन का भोजपुरी फिल्म कर दो, प्रोनाउंसिएशन का भोजपुरी फिल्म कर दो, जैसे भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग होता है ना वैसे प्रोनाउंसिएशन करो, बिल्कुल बिना किसी कोई जाने समझे, बिना कोई ट्रेनिंग के। ऑफकोर्स मनोज वाजपेयी इज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, ऑफकोर्स पंकज त्रिपाठी इज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन आवर कंट्री, तो इन लोगों जैसे नहीं, जो भोजपुरी के एक्टर्स होते हैं ना वैसे आप अंग्रेजी बोलो, ठीक है। अब ये जो भोजपुरी के फैन लोग हैं आप कमेंट सेक्शन में गाली नहीं लिखने लगिएगा, हम भोजपुरी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आई ऑल्सो लिव इन भोजपुर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टेट, माई रीजन, माई कल्चर, माई लैंग्वेज, बट जो भोजपुरी फिल्में हैं आई डोंट वॉच देम एंड आई हेट देम, पर्सनली आई हेट देम, ठीक है। थिंक 2 मिनट्स इन इंग्लिश, 2 मिनट आप अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में क्या सोच सकते हो, कुछ भी सोचो जो आपके दिमाग में आ रहा है, दिमाग में भी आप भोजपुरी इंग्लिश से बातें करो, दिमाग में भी आप बिहारी इंग्लिश से बातें करो, दिमाग में भी आप विलेज इंग्लिश की तरह बातें करो, दिमाग में, नॉट द माइंड, दिमाग, ऐसे शब्द यूज करो, मिक्सअप कर कर उसको फन बनाओ। अगर आपको हम एक मूवी देखने के लिए बोले थोड़ा कॉन्फिडेंट के लिए, तो आप बोल बच्चन मूवी जरूर जाकर देखना, बोल बच्चन में ये देखना कि अजय देवगन इंग्लिश कैसे बोलता है, इतना बड़ा एक्टर जब एक्टिंग वैसे कर सकता है, इतना जल्दी वो लैंग्वेज को, स्लैंग को, टेस्ट को सब चेंज कर सकता है, तो हम लोग सीख क्यों नहीं सकते हैं यार।
रिकॉर्ड एंड ऑडियो और वीडियो। आज 1st of October है। आज कौन तारीख है? 1st of October। आज के दिन एक ऑडियो रिकॉर्ड करो, आज के दिन अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करो, और 90 दिनों के बाद 31st of December, टुडे इज द 1st of October, और आप 31st of December को सुनना। ये बीच में जो गैपिंग है ना, ये बीच में जो गैप है, इसमें देखना आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। ये 90 दिनों का आप गैप दो अपने आप को। आज एक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करो, हर दिन रिकॉर्ड करना, लेकिन उसको डिलीट कर देना। आज वाला रखना और 90 दिनों के बाद जो रिकॉर्ड करोगे उसको रखना, और 1st जनवरी को 2nd जनवरी को बैठकर 2023 में और सुनना दोनों में डिफरेंस। दोनों में तुमको 50 नहीं 100 नहीं 500% का डिफरेंस दिखाई देगा, एकदम जंप दिखेगा आपको। तो प्लीज डू दैट। आप एक आज ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, आप एक आज वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, किसी भी टॉपिक पे किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए, कहीं फोन रखकर सेल्फी से रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। एक वीडियो एक ऑडियो अपने आप के लिए बनाइए और फिर देखिए आपके अंदर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड एवरी डे वी विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू पर्सनली, ओके? एंड वट एवर द सिचुएशन इज, वी विल बीट ऑल द सिचुएशन एंड वी विल विन, ओके? हम लोग हमेशा जीतने और हमेशा हम लोग जीतेंगे। वी आर द इंडियन, एंड इंडियन को आप समझते ही हो, फॉरेन में जहां जाते हैं वहां अपना झंडा गाड़ देते हैं, और बिहारी तो खास करकर। तो देन वॉट इज द प्रॉब्लम? यू आर नॉट प्रॉब्लम, आई एम नॉट प्रॉब्लम, देन वाई इंग्लिश विल बी द प्रॉब्लम? इंग्लिश विल नॉट बी द प्रॉब्लम एनी मोर। वी विल स्पीक इन इंग्लिश वट एवर वी नो। जो भी हम लोग जानते हैं, जो भी हम लोग समझते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे अंग्रेजी में बोलने, समझने और पढ़ने का। बस ये तीन चीजें याद रखना, ये विलेज इंग्लिश, भोजपुरी इंग्लिश और बिहारी इंग्लिश, ठीक है? V B B, V B 2, ठीक है? ऐसे करके कुछ याद रखना। तो दैट्स ऑल, टुडे वाज द फर्स्ट डे। देखो आज हमारा फर्स्ट डे कितना कॉन्फिडेंट था, आज हमारा फर्स्ट डे कितना सुंदर रहा सेशन हमारा, आज हम लोग कितने सारे चीजें सीखे। अगर बहुत सारी चीजें नहीं सीखे तो तीन चार चीजें तो सीखे। पहला ये तीन चीज, विलेज इंग्लिश, भोजपुरी इंग्लिश और बिहारी इंग्लिश क्या होता है, और दूसरा आज एक आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और 90 दिनों के बाद आप दूसरा ऑडियो रिकॉर्ड करोगे और सुनोगे, और फिर हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग इसी जगह मिल रहे हैं, इसी एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ और एक स्टेप बेटर के साथ। समझो कि कोई ऐसा लाइक गोलघरा पटना में गए हो, कभी नहीं गए हो तो जाना, लेकिन कोई ऐसा महल है जहां पे 90 सीढ़ियां हैं, ठीक है? और 90 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको एक बहुत सुंदर नजारा दिखने वाला है। वो 90 सीढ़ी का आज पहला सीढ़ी है और आज हम लोग पहला सीढ़ी चढ़ गए। अब हम लोग हर दिन एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, और एक दिन हम लोग महल के ऊपर बैठेंगे, देखेंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विद न्यू विलेज इंग्लिश। बाय। जय हिंद, जय भारत।